राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत आज नगर स्तरीय विज्ञान क्विज और मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन कंपोजिट विद्यालय काशीराम नगर मुरादाबाद में किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र मुरादाबाद के सभी जूनियर हाई स्कूलों से आए 150 बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी नगर सर्वेश कुमार और सुरेंद्र सिंह के द्वारा फीता काट कर किया गया। इसके उपरांत क्विज प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें विज्ञान विषय के विशेषज्ञ शिक्षकों ने बच्चों से विभिन्न चरणों में 30 प्रश्नों के उत्तर पूछे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए अधिकतम 30 सेकंड का समय निर्धारित किया गया था। बच्चों ने काफी उत्साह के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और प्रश्नों के उत्तर दिए। मॉडल प्रदर्शनी में सभी विद्यालयों के द्वारा विज्ञान के चमत्कारों और प्रयोगों पर आधारित मॉडल दिखाए, जिन्हें सभी के द्वारा सराहा गया। प्रतियोगिता के अंत में विजेता बच्चों के नामों की घोषणा करके उन्हें प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। क्विज प्रतियोगिता में जूनियर हाई स्कूल मऊ की सरस्वती ने प्रथम, जूनियर हाई स्कूल कुंदनपुर के अरकान ने द्वितीय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शिखा ने तृतीय, कंपोजिट विद्यालय काशीराम नगर के आकाश ने चतुर्थ और कंपोजिट विद्यालय गंज के गुलाम वारिस ने पांचवा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के शुरुआती 10 विजेता बच्चों को खंड शिक्षा अधिकारी नगर के द्वारा 500 रुपए नकद, एक प्रमाण पत्र और शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में कन्या जूनियर हाई स्कूल मऊ को प्रथम, कंपोजिट विद्यालय मंझोला को द्वितीय और लोदीपुर को तृतीय स्थान मिला। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में विज्ञान विशेषज्ञ श्वेता चहल, मुकुल कौशिक, आशीष कुमार शर्मा शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से खंड शिक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार, सुरेंद्र सिंह, प्रधानाध्यापिका रत्नेश बाला, राहुल शर्मा, प्रतिमा कुमारी, अशोक कुमार, कस्तूरबा वार्डन पूर्णिमा पाल, नमिता गुप्ता, अलका सिक्का, प्रशांत कुमारी, आशा बडोला, अर्चना रानी, विष्णु भारद्वाज, आरती रानी, ममता बाली, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रक्षंदा, दुर्वेश लता व अर्शी सिद्दीकी सहित काफी संख्या में शिक्षक गण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राहुल शर्मा ने किया। ये आज नगर क्षेत्र में परिषदीय विद्यालयों के जूनियर स्कूलों को के बच्चों की एक राष्ट्रीय आविष्कार विज्ञान प्रतियोगिता के अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता हुई और उसमें मॉडल्स की, विज्ञान के मॉडल्स की प्रदर्शनी लगी, जिसमें बच्चों ने अपने नए नए साइंस प्रैक्टिकल प्रमाण के साथ रखे और उसमें सभी बच्चों को विज्ञान के आगे के जो प्रयोग करने होते हैं उसके लिए प्रोत्साहन करने के लिए ये प्रोग्राम कराया गया। कितने बच्चों ने भाग लिया सर इसमें? आज इसमें प्रोग्राम में लगभग 130 बच्चों ने भाग लिया है और 130 बच्चों ने जो भाग लिया है तो उसमें हम टॉप 10 जो बच्चे आएंगे प्रतियोगिता के द्वारा उन टॉप 10 को सम्मानित करेंगे और मॉडल्स में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो विज्ञान के मॉडल्स लाए हैं उनको भी हम सम्मानित करेंगे। प्रथम पर रही है सरस्वती कुमारी, सरस्वती है जूनियर स्कूल मऊ की और एक लड़का है सेकंड नंबर अरकान कुंदनपुर जूनियर स्कूल का और तीसरे नंबर पर है कुमारी शिखा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। सर क्या मानते हैं? देखिए साइंस के प्रति क्या है कि बच्चों में एक डर होता है कि हम साइंस बहुत हार्ड होती है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस को क्या है कि साइंस कहती है कि प्रमाण के साथ विज्ञान को पढ़ने के लिए आपको किसी भी एक्स वाई जेड फालतू बातों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप प्रयोगशाला में आपकी क्लास के अंदर पढ़ाते समय प्रैक्टिकल करके बच्चों को साइंस पढ़ा सकते हैं और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जब प्रमाण के साथ पढ़ाया जाता है तो बच्चों में बहुत एकदम समझने आ जाता है और फिर बच्चों का जो डर है वो निकल जाता है। इसी डर को निकालने के लिए हमारा जो बेसिक शिक्षा विभाग है हर साल एक ऐसी प्रतियोगिता कराता है जिसमें बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले और साइंस को समझने का मौका मिले, जिससे बच्चों में प्रोत्साहन हो, बच्चों में साइंस के प्रति जो डर होता है वो निकल जाए और आगे चलकर बच्चे इन्हीं में से साइंस के प्रैक्टिकल करें, बड़े बड़े वैज्ञानिक बने, बड़े बड़े दूसरी नौकरियों पर जाएंगे। तो साइंस को पढ़ना एक आसान तरीका प्रमाण के साथ एज ए मॉडल्स और प्रैक्टिकल करके जो बताते हैं तो उसका एक तरीके से एक परीक्षण होता है इस प्रतियोगिता के माध्यम से कि किस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, हम ये भी इसकी जांच कर लेते हैं, किस स्कूल में पढ़ाई कम है उसकी तरफ हमें ध्यान देना है और कहीं कहाँ जहाँ के बच्चे होते हैं वो बच्चे दूसरे जो बच्चे 130 बच्चे आज इकट्ठे हुए थे, 130 बच्चों में एक प्रोत्साहन होगा, जो टॉप 10 बच्चे आएंगे उनको देख के ही लगेगा कि हम भी अगली बार को जो है टॉप 10 में आने की प्रयास करेंगे।